पावर ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ हर आदमी जानता है कि बर्ड एक्सीडेंट विद ट्रांसमिशन लाइन कितना बड़ा हैजर्ड है। आज हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे आ गया है इसी प्रॉब्लम के कारण। पीछे गुजरात में ऑलमोस्ट 30 फ्लेमिंगोज का एक्सीडेंट हुआ और वो फैटल था। हर साल लाखों बर्ड्स मारे जाते हैं इस एक्सीडेंट के कारण, जो कि आम सिटीज़न को पता नहीं लगता, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन वालों के नोटिस में होता है। इन सब को रोकने के लिए इंडोलाइट ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर। बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर का काम है कि बर्ड को वार्न करना कि आपके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। इसको हम ट्रांसमिशन लाइन पे हैंग कर देते हैं। ये स्वे करता है, डेंगल करता है, स्विंग करता है। दिन के अंदर सन एंड मून रिफ्लेक्टर्स इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं जो कंट्रास्ट कलर्स में हैं, जो दूर से बर्ड को बताते हैं कि रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में कई मैचेस ड्रॉप हुई ओनली बिकॉज के वाइट कलर की बॉल थी और सनलाइट के बैकग्राउंड में वो नज़र नहीं आई। लाइकवाइज जितने भी हमारे कंडक्टर्स हैं वो एल्युमिनियम के हैं, सनलाइट की बैकग्राउंड के अंदर बर्ड्स को वो नज़र, इसलिए ये प्रोडक्ट उस पर जब हैंग कर दिया जाता है तो दूर से बर्ड आइडेंटिफाई कर सकता है कि रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। हल्के से हल्के हवा प्रेशर से ये हिलता रहता है, थोड़ी सी भी विंड स्पीड होगी ये रोटेट करता रहेगा, कलर चेंज होता रहेगा, बर्ड के नोटिस में जल्दी आएगा। रात को पूरा का पूरा ये पार्ट चमकता है बाय इटसेल्फ ताकि बर्ड्स को रात को भी अलार्म मिल जाए। इसका क्लैंप स्प्रिंग लोडेड टाइप बनाया हुआ है जो गियर से अटैच्ड है ताकि दोनों तरफ से बराबर प्रेशर आए। कंडक्टर को फिक्स करने के लिए ये हमारा पेटेंटेड डिज़ाइन है जो सिर्फ पुश करेंगे कंडक्टर के अगेंस्ट और ये क्लैंप हो जाएगा। यहाँ का पॉलीमर जो है हाई ग्रेड का इंजीनियरिंग पॉलीमर है जो -50 डिग्री से +100 डिग्री तक वेदर को विदस्टैंड कर सकता है। इंस्टॉलर्स की सेफ्टी के लिए पूरे वार्निंग के स्टिकर्स इसके पे लगाए हुए हैं कि इंस्टॉलर को मुश्किल ना हो लगाने में और उनकी सेफ्टी पूरी रहे। ये वाले जो स्टिकर्स हैं और इसके ऊपर जो ईगल का मार्क है ये यूवी लाइट से को रिफ्लेक्ट करता है ताकि बर्ड्स को दूर तक नज़र आए। हम लोग ह्यूमन आइज यूवी लाइट को नहीं देख सकती, वेयरएज बर्ड्स यूवी लाइट को देख सकते हैं, उसके कारण वार्निंग और बेटर हो जाती है। डेंगलर के मटेरियल में रेडियम टाइप पिगमेंट ऐड करा हुआ है जो ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ रात को ग्लो करता है ताकि बर्ड्स को रात को भी पूरी सेफ्टी मिले। इसको कंडक्टर पे हैंग करना बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको हमको ओपन करना है, कंडक्टर के अगेंस्ट इसको लाके पुश करना है और ये लॉक हो जाएगा। अपने आप ये चलता रहेगा, स्विंग करता रहेगा, डेंगल करता रहेगा और बर्ड्स को वार्निंग देता रहेगा। सॉफ्ट कंडक्टर्स की सेफ्टी के लिए क्लैंप्स हमारे पास इस तरह के डिज़ाइन भी हैं जिसके अंदर नाइट्राइल रबर या सिलिकॉन रबर की लाइनिंग्स हैं। ये OPGW के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। OPGW के अंदर जो फाइबर है उसको डैमेज नहीं होने देते।